फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना, घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल रोटी सब्जी चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता ना करो, मॉल में दोनों ने दो दो बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है, वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था, बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगे। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था, बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी के रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है, इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है, केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है, फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था, घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ
और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं। ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया। चिंकी की नई ड्रेस। बड़ों से कुछ मांगना हो तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की बोलती ही बंद हो जाती है। एक शाम चिंकी कबर्ड खोलकर अपने कपड़े देख रही थी। कितने पुराने कपड़े हैं मेरे पास, एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। आइडिया? मम्मी से नई ड्रेस मांगने का इससे बेटर आइडिया तो हो ही नहीं सकता। इधर मम्मी रूम के सामने से गुजर रही थी, अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब हो गई? अभी तो कबर्ड खोलकर खड़ी थी। मम्मी अंदर कबर्ड के सामने आकर खड़ी हो गई और इधर उधर चिंकी को देखने लगी। तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी चिंकी को ढूंढ रही हो? पहले तो आवाज सुनकर मम्मी एकदम डर गई थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ चिंकी का रूम है ना, चिंकी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कबर्ड, मैं चिंकी के कपड़ों का कबर्ड बोल रही हूँ। सॉरी बोल रहा हूँ। ये सुनकर तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। ओह, तो तुम कबर्ड बोल रहे हो। कबर्ड, क्या तुम बता सकते हो मेरी चिंकी कहाँ है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरा पेट बिल्कुल खाली है। कितने दिन हो गए, एक भी नई ड्रेस नहीं आई। पहले नई ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूँगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी ड्रामा करती हुई बोली, अरे उसी के लिए तो ढूंढ रही थी उसे, शॉपिंग ले जाना था। लेकिन छोड़ो, नई ड्रेस कैंसिल। जैसे ही कबर्ड ने कैंसिल वाली बात सुनी, कबर्ड का मुंह एकदम से खुल गया और कबर्ड में बैठी चिंकी जोर से चिल्लाई, क्या मम्मी आप हमेशा ऐसा करती हो, गट्टू कुछ मांगता है तो फट से मान जाती हो। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी फूट गई। वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते ही चिंकी को नई ड्रेस लाने की बात भी फाइनल हो गई। सैटरडे शाम की बात है, पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में तैयार बैठी थी। अरे तुम चिंकी को शॉपिंग लेकर जाने वाली थी ना, गई नहीं? चिंकी आए तो जाऊँ ना, चिंकी तो नीचे गट्टू के साथ खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और मम्मी हाथ में पर्स लेकर सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या चिंकी, कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा? ओ मम्मी सॉरी, खेल खेल में तो भूल ही गई थी हमें शॉपिंग करने भी जाना है। ये सब इस गट्टू की वजह से हुआ। अब यहाँ खड़े खड़े झगड़ा मत शुरू करो, जाओ गट्टू भागो, हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा और बाहर से एक रिक्शा सोसाइटी में लेकर आया। मम्मी और चिंकी रिक्शे में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मॉल में आकर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी। चिंकी बेचारी ड्रेस सेक्शन में जाने के लिए बेकरार थी। मम्मी चलो। और चिंकी मम्मी को लेकर किड्स कॉर्नर पहुंची गई, जहां काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर रहे थे। चलो जो चाहिए वो ड्रेस चूज कर लो। लेकिन इतनी सारी नई नई ड्रेसेस और ट्रेंडी फैशंस देखकर बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लूं या फिर वो वाली, या फिर पूरी दुकान ही लूं। इस प्रकार चिंकी उलझन में फंसी थी कि तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ी और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। वाओ सो नाइस, ये वाली ड्रेस तो मैंने किसी के पास नहीं देखी, एकदम नया वाला फैशन है, ये ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो ड्रेस एक दूसरी लड़की ने खींच लिया। अरे ये मैं लेने वाली हूँ। ओए हटो, ये ड्रेस तो मेरी है। नहीं मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा सुनकर मैनेजर और मम्मी भी वहाँ आ पहुँची। मम्मी देखो ना, ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की और ये लड़की मान ही नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। सॉरी मैम, ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है। फिर तो ये ड्रेस मुझे ही चाहिए। चिंकी बेटा, और भी तो बहुत ड्रेस है, तुम वो ट्राई करो। नहीं
यही, मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मिंकी। सबने पीछे देखा तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी मुझे यही ड्रेस चाहिए। तभी चिंकी की मम्मी मिंकी की मम्मी से बोली, अरे सरला तू पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं हमने। तू शॉपिंग करने आई है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है चिंकी, इसे जो ड्रेस पसंद आई वो ड्रेस तुम्हारी मिंकी को भी पसंद आई। बोलो अब क्या करें? अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती रहती है। कि चलो उस कॉर्नर में लेटेस्ट डिजाइन वाली ड्रेसेस है। ये सुनते ही मिंकी ने चिंकी के हाथ में वो वाली ड्रेस थमा दी और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा, चल अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे और किसी दिन। ऐसा कहकर मिंकी की मम्मी तो निकल गई, लेकिन चिंकी ड्रेस मिलने के बाद भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? नहीं, मुझे यही ड्रेस पसंद है, लेकिन इसको लेकर अभी कितना ड्रामा हुआ यहाँ। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा लाइफ है तो होता रहता है, कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो क्या मजा। मजा तो कोई भी चीज स्ट्रगल करके हासिल करने में होता है। जाओ ड्रेस ट्राई करो। चिंकी भागते हुए ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई। नई वाली ड्रेस में चिंकी एकदम परी लग रही थी। परफेक्ट, चलो अब 2-2 प्लेट चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं, चलें? हाँ चलो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।